ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले पर नवाज शरीफ किसी जज या ब्यूरोक्रेट के नाम पाक नहीं चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को राजी करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तीसरी बार मियां नवाज शरीफ को राजी करने के लिए वक्त मांगा है। ज़राए के मुताबिक दो दिन में अगर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लियामेंट के हाथ से निकल जाएगा। जी बिल्कुल, सिर्फ दो दिन है, देखना यह होगा नाम पर इत्तेफाक होता है या नहीं। लेकिन नवाज शरीफ जो है ज़राए के मुताबिक मान नहीं रहे, वो किसी जज या ब्यूरोक्रेट के नाम पर इत्तेफाक नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ को राजी करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तीसरी बार नवाज शरीफ को राजी करने के लिए वक्त मांगा। ज़राए के मुताबिक दो दिन में अगर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला पार्लियामेंट के हाथ से फिर निकल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ का इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा है किसी साबिक जज या ब्यूरोक्रेट के नाम पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मियां नवाज शरीफ को राजी करने के लिए तीसरी बार वक्त मांगा है। आपको बताएं कि सिर्फ दो दिन का वक्त रह गया है, अगर दो दिन में फैसला ना हो सका तो मामला पार्लियामेंट के हाथ से निकल जाएगा, फिर बात आ जाएगी इलेक्शन कमीशन पर।